नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो से, आप जो वीडियो देख रहे हैं और जो आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फीडबैक हमें मिल रहा है और हम चाहते हैं कि बस ये कंटिन्यू, ये सफ़र जारी रहे। और आज के इसमें हम सीखने वाले हैं अपने प्रोडक्टिविटी आदतों के बारे में। हम प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को आज सीखने वाले। मित्रों, बहुत से लोग बोलते हैं सर आदतें तो अच्छी हो गई है लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम क्या करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। हमारा जो देखिए प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी ना साहब तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपका अगर प्रोडक्टिविटी, आपकी अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी ना यश, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना तो आपके अंदर का आपका सैलरी भी बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम हमने क्यू, CUE क्यू के बारे में देखा, हमने रिवार्ड्स के बारे में, हमने रूटीन के बारे में देखा, हमने रिवार्ड्स के बारे में देखा, हमने ये किस तरह से हमारा जो हम निर्णय लेते हैं किसी काम को करने का, फिर हम कृति करते हैं, फिर उसके बाद उससे हमको आनंद मिलता है, फिर ये जब रूटीन चलते रहता है तो फिर वो एक हैबिट का निर्माण करते हैं। और हैबिट कैसा है मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब वो छोटा होता है ना कोई पेड़, तो छोटे हाँ आदतों का निर्माण क्या होता है मित्रों, जो पेड़ होता है ना बहुत छोटा होता है, उसको उखाड़ के फेंकना आसान होता है, लेकिन वही पेड़ जब 100 साल का होता तो उखाड़ सकते हैं क्या, वही पेड़ 5 साल का होता तो उखाड़ सकते हैं क्या, नहीं उखाड़ सकते हैं। छोटे पेड़ को हम ऐसा ठक से निकाल सकते हैं, इसी तरह से आदत होता है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में प्रोडक्टिविटी क्या होती है मित्रों। तो जब आप सवेरे उठते हैं, देखिए प्रोडक्टिविटी यानी हमारी पूरी दिनचर्या, अगर आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया ना मित्रों तो आपने अपनी लाइफ को बदल दिया। आपने अगर दिनचर्या को बदल दिया, आपने अपनी हैबिट को बदल दिया तो आपने यश क्या कर दिया है, आपने अपनी पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। शुरुआत करते हैं सवेरे जल्दी उठिए, सवेरे जल्दी उठ गए आप क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, सवेरे जल्दी उठना है। सवेरे क्या करना है, सवेरे जल्दी उठना है मित्रों। और जल्दी उठने की शुरुआत कहाँ से होती है, रात को सोने से। सवेरे अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, तो आपको निशा रात को जल्दी सोना पड़ेगा। सवेरे उठने की तैयारी कहाँ से होती है, रात को जल्दी सोने से। जल्दी अगर सोएंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे। अब उठने के बाद क्या करना है, आप जैसे ध्यान में बैठना है, पहले आपका जो नॉर्मल जिस तरह से रूटीन रहता है बाथरूम जाना है, आप बाथरूम जाइएगा, हाथ मुंह धो लीजिएगा और ध्यान में बैठिएगा। आपको क्या करना है, ध्यान में बैठना, आँखें बंद करनी है, आँखें बंद करके ध्यान में बैठना है। मैं आपको आने वाली सीरीज़ में ध्यान का भी वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद फिर अफर्मेशन क्या करना है, आपको ध्यान में उठने के बाद फिर आपको अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन में शुरुआत होगी आभार से कि आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, हे ईश्वर आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आज के इस सांस के लिए धन्यवाद, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस के लिए धन्यवाद। मुझे मालूम है आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। क्या बोलना है, ईश्वरी आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। अफर्मेशन दीजिएगा, आई एम हेल्थी हैप्पी एंड एनर्जेटिक, आई एम हेल्थी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। देखिए आपके शब्द आपकी दुनिया है, आपको तथास्तु बोलना है, तथास्तु बोलते 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 आप क्या कर सकते हैं, अपने अफर्मेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना है तो अफर्मेशन सही बोलना है। जिस तरह से आपका अफर्मेशन रहेगा उसी तरह से आपकी ज़िंदगी बनेगी। तो अच्छे सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये हो गया आपका मॉर्निंग में, आप जल्दी उठ गए, आपने मॉर्निंग में उठने के बाद आप जल्दी उठ गए, उठने के बाद ध्यान किया, ध्यान करने के बाद अफर्मेशन पढ़ा, अफर्मेशन के बाद आभार किया, आभार के बाद फिर एक्सरसाइज पे चलना है। या तो आप 2 किलोमीटर राउंड मार के आइएगा या तो आप एक्सरसाइज कीजिएगा। आधे घंटे का एक्सरसाइज ज़रूरी है, कम से कम 20 मिनट यानी आधा घंटे का 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। 30 मिनट, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है साहब, लेकिन 30 मिनट्स का अगर बन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। 30 मिनट का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और जितना ज़रूरी है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये होगा मॉर्निंग का शेड्यूल। फिर उसके बाद आता है कि आज जब आप डे में जाते हैं तो आज 5 महत्वपूर्ण काम क्या करना है। अब ये मॉर्निंग ख़त्म हो गया, अब आपका 7 बज गया है, 7 बजे से अब आपकी दूसरा रूटीन जो है कि मुझे ऑफिस में जाना है और ऑफिस में 5 महत्वपूर्ण काम का क्या करना है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था बेटा तो मैं क्या करता था, रोज़ का 5 काम मैं लिख लेता था कि आज 5 काम क्या करना है, कि आज वो वर्कशॉप का मशीन बंद है, उसके बाद असाइनमेंट देना है बच्चों को, 3rd नंबर पर आज ये करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, मूडल पर ये अपलोड करना है, प्रेजेंट जो हमने अटेंडेंस लिया है बच्चों का वो मुझे रिपोर्ट करना है। हम ऐसे रिपोर्ट बनाते थे। तो 5 काम क्या करना है वो हमको बनाना है।
पांच इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है। फिर उसके बाद आता है कि हमें क्या करना है, टाइम ब्लॉकिंग करना है। 6 बजे का टाइम मैंने इसको दिया है, 7 बजे का टाइम इसको दिया, 8 बजे का टाइम इनको दिया, 9 बजे का टाइम ये करना है, इसके बाद बाज़ार में जाना है, बाज़ार में जाके ये ऑर्डर करना है। आपको टाइम ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग मेथड है ये है अपने एलन मस्क नाम के एक पर्सन है, बहुत बड़े उद्योगपति है और शायद कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो नहीं जानता है। एलन मस्क ने टाइम ब्लॉकिंग नाम का एक मेथड बनाया हुआ है और हमने एक डायरी भी बनाया हुआ है इसी से रिलेटेड। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कैसे है वो डायरी। तो हमने डायरी भी बनाया हुआ है और रोज़ काम करते समय पूछना है व्हाई, ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्या मकसद है इस काम का, और इस काम को करने से समाज का क्या भला होने वाला है ये जरूर कीजिएगा, कंपनी का क्या भला होने वाला है और मेरा क्या भला होने वाला है। हम बहुत लास्ट में आते हैं, पहले समाज का, कंपनी का, फिर मेरा। फिर आपको क्या करना है मित्रों, अपने डेली रूटीन के अंदर एक पॉडकास्ट देखना जरूरी है, एक वीडियो देखना जरूरी है, एक किताब पढ़ना जरूरी है, एक इस तरह का कोर्स करना जरूरी है। अगर कोर्स का वीडियो आप देखते हैं तो इस तरह का कोर्स देखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी संगत में रहना जरूरी है। अच्छी संगत को टाइम दीजिएगा, कॉफ़ी के लिए टाइम दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ जाइए, बात कीजिएगा, उनसे नॉलेज शेयर कीजिएगा, आपके पास कुछ नॉलेज है वो लीजिएगा। देखिए अच्छी संगति में रहना, रोटरी क्लब है, BNI क्लब है, उद्योग ऊर्जा है, अलग अलग उड़ान है, बिजनेस उड़ान है, ऐसी संस्था में जाके आप एनरोलमेंट हो जाइएगा, अपने नॉलेज शेयर कीजिएगा, विचार शेयर कीजिएगा, उनके पास कुछ नॉलेज है वो आप लीजिएगा, आपके पास कुछ है वो दीजिएगा। हंटर मत बनिएगा साहब, गिवर बनिएगा, क्योंकि जो गिवर है उसी को गेन मिलता है, ये BNI का स्लोगन है मित्रों। तो ये चीज़ें हमें करनी है। आपको पूरे दिन भर में डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक समय निकालना है, यानी कुछ समय ऐसे निकालना है जहाँ पर आप मोबाइल से दूर रहेंगे, आप और कागज़ और पेन, बस आप कागज़ और पेन, यही तीन लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। वहाँ पर बैठ के आपको देखना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मित्रों अपने आप पर है, अपने आप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जर्नल बनाइएगा, अच्छे विचारों को अपनाइएगा, अच्छे विचार आपके ज़िंदगी को बदलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना यश, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब आपकी ज़िंदगी को उठाएंगे, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने जो सीखा है सवेरे से लेकर रात को सोने तक, सोने के पहले एक बार जर्नल जरूर लिखिएगा, आज भावनात्मक रूप से आपको कैसा लगा लिखिए, मुझे आज A+ लगा, A+ यानी बहुत अच्छा, A++ और भी अच्छा, यानी ठीक है, B यानी ठीक है, और C आज मुझे बहुत बुरा लगा, ABC ऐसे तीन ग्रेड में अपने आप को डालिएगा। A बोले तो ठीक, A+ बोले तो अच्छा, A++ बोले तो बहुत अच्छा, B बोले तो ठीक ठाक, और C बोले तो बहुत बुरा दिन। अपने आप को ग्रेड कीजिएगा, रात को सोने के पहले ये काम कीजिएगा साहब, ये आपके मनोबल को बढ़ाएगा। अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छे वीडियो देखकर फिर सो जाइएगा मित्रों। ये सब करने के पीछे एक ही मकसद है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, आपके टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाना। टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ पर ध्यान देना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी के लिए आपका ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। जब मैं पुलिस ड्रेस में रहता हूँ, पुलिस यूनिफॉर्म में रहता है, मेरी प्रायोरिटी रहता है जो मुझे ड्यूटी दिया गया है। जब मैं प्रोफेसर का प्ले करता हूँ रोल, तब मेरा प्रायोरिटी मेरे स्टूडेंट। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, मेरे स्टूडेंट मेरे प्रायोरिटी रहती है। जब फैमिली के साथ रहता हूँ तो मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी रहती है। जब मैं बाज़ार में जाता हूँ तो जो चीज़ खरीदने जा रहा हूँ वो मेरी प्रायोरिटी रहती है। जब मैं कोई ड्राइंग बनाते रहता हूँ तो ड्राइंग मेरी प्रायोरिटी रहती है। मित्रों आपकी प्रायोरिटी क्या है देखिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट ए प्रायोरिटी। आपकी जैसी प्रायोरिटी रहेगी वैसा आपका जीवन रहेगा। मित्रों ये सारी बातें जो थी आज, हमने जो भी चीज़ें सीखी है ये सब थी आज के शेड्यूल के ऊपर, आपके टाइम टेबल के ऊपर, आपके जो आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। आज आपको एक काम करना है, जल्दी से जर्नल लेना है और जो बातें आज हमने बताई है उस पर अमल शुरू करना है। अफर्मेशन बनाइए, क्या आप जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो परिवर्तन लाना चाहते हैं कलम उठाइए और इसमें लिखना शुरू कर दीजिएगा कि मैं अपने जीवन में ये परिवर्तन देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को 6-पैक में देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक नई स्टाइल में देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक नई आवाज़ में देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को गायक के रूप में देखना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ में आप अपने आप को देखना चाहते हैं? और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, जो देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, जाओ ऊंचा कराओ और आसमान को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज तक हम यहाँ पर आ गए और आने वाले वीडियो में और भी कुछ बातें हम करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।